Sir, an RLC circuit is an electrical circuit consisting of electrical circuit which Sir, an RLC circuit is an electrical circuit which consists of a wave. What happened? Nothing, sir. yeah, just few disturbances around. Just give me 2 minutes, sir. Can I please fix it? Paras, this is unacceptable. You're wasting our time. We are postponing the meeting to next week. Hope I'm very clear on this. I'm really sorry, sir. Oh. क्या गिराज खोल रखा है तूने यहाँ पे अपना? हाँ, जब देखो तेरी साला कोई ना कोई खिटपिट चलती रहती है इस बिल्डिंग में ना, और भी लोग रहते हैं। ओए मिस्त्री, ओए बंद कर, बंद कर सर। पता है कैसे लोग रहते हैं? ओए हेलो, कैसे लोग रहते हैं मतलब? हाँ, सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ मैं, तेरी तरह सीए इंटर्न नहीं। जब ऊपर के माले में गोबर भरा हो ना तो सामने वाले के साथ जबान नहीं लड़ाते, क्योंकि सीए में ना आर्टिकलशिप होती है, इंटर्नशिप नहीं। आर्टिकलशिप जिसमें तुमसे वो फ्री की मजदूरी करवाते हैं ना क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी तो फोटोकॉपी और आईटीआर करवाने में निकल जाती है। कभी खुद की लाइफ में झांक के देखा है? खुद क्या करते हो तुम? पूरे साल तो सोते रहते हो और जब एग्जाम आते हो तो भीख मांगना शुरू कर देते हो, सर मुझे मार्क्स दे दो, अटेंडेंस दे दो, और एंड में क्या मिलता है? बैक। ओ हेलो, तू तो बैक की बात कर मत, क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ अटेम्प्ट करने में निकलती है। तुम बेचारे पहले वो अपना सीपीटी, फिर आईपीसीसी और फाइनल्स क्लियर करने में तो तुम्हारी उम्र निकल ही जाती है वैसे भी। सो माई डियर नेबर, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, मेरा ना एग्जाम क्लियर हो चुका है, तो आपके सामने ना सीए तान्या मल्होत्रा रहती है, तो जरा तमीज से। वैकेंसी है चपरासी की, अगर चाहिए हो तो अपना सीवी भेज दियो। थैंक यू भैया। तेरे को बहुत मजे आते हैं साले, कितने पैसे लिए तूने लगाने के? अंदर चलती समीर। हाँ भाई। कैसा है मेरे भाई? हाँ बढ़िया, मैं बढ़िया। अच्छा यार, वो थोड़ी यार हेल्प चाहिए थी, प्लीज 1000 रुपए ट्रांसफर कर देगा यार? मैं तुझे अगले हफ्ते लौटा दूंगा। पिछले 4 बार से यही हो रहा है भाई, 8,500 रुपए हो गए, पहले वो चुका दे फिर कॉल करियो। और है ना, ये सिर्फ पैसे मांगने के लिए कॉल मत किया कर यार, मैं फोन उठाना बंद कर दूंगा। समीर मेरी बात, समीर हेलो, समीर फोन काट दिया हरामखोर ने। यार मेरे घर का ना फ्यूज उड़ गया। तो यार वो इलेक्ट्रिशियन भैया फोन नहीं उठा रहे हैं, तो तू देख लेगा प्लीज? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं, इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ। चलो यार, मेरे को अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज देख लेना। एक और बार प्लीज बोल। प्लीज पारस। आखिर में इंजीनियरिंग काम है ना तेरे है? अरे अभी ठीक करके देता हूँ, अरे छोटे मोटे काम है, बचपन से करता आ रहा हूँ ये सब। तो मैं देखा, बोला था ना बचपन से करता आ रहा हूँ मैं। थैंक यू यार, ये थैंक यू। ठीक है बख्शीश, तूने सर्विसेज दिए हैं तो तेरे पैसे तो देने हैं ना। ओ हेलो, मैं ना इंजीनियर हूँ, भिकमंगा नहीं हूँ, ये पैसे अपने पास रख, मैंने तेरे के पैसे कमा लूंगा मैं। देखो कैसे समझाऊं मैं, हर जगह गधा मजदूरी करना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी स्मार्ट वर्क भी करना होता है। अच्छा, और वो क्या होता है? जैसे कि ये देख। ये क्या है? फायोस, योर गेटवे टू इन्वेस्ट। इसमें यू कैन इजीली ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, एंड इट टेक ओनली फ्यू सिंपल स्टेप्स टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। अच्छा, बट ये ट्रेडिंग रीडिंग मेरे को नहीं आती यार, तो मेरे को नहीं समझ आती सब चीज़ें, पता नहीं। देख इसमें ऐसा होता है कि ना चार्ट्स होते हैं और 100% उसमें से चार्ट्स में से इंडिकेटर्स में से सब देख सकते हो। नहीं इंटरेस्टिंग तो है, और बाकी यार कौन नहीं चाहता ट्रेडिंग से पैसे कमाना, है ना, सबको पैसे की जरूरत तो है ही।
बट नॉलेज नहीं है और इसमें ना रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो नारे बाबा नाम है तो घुसता नहीं इन सब चीजों में, तो रिस्क इस चीज में नहीं होता है। और ये जो फायर स्कूल ऑफ स्टॉक्स वेबसाइट से तुम आसानी से ट्रेडिंग के सारे बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो, फायर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो इनके ट्रेडिंग एक्सपर्ट से या फिर अदर इन्वेस्टर्स से टिप्स ले सकते हो। डोंट वरी, ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, सिंपल और टॉप नॉच है, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप या फिर वेब वर्जन यूज़ कर सकते हो। चल सही है यार, ट्राई करूँगा मैं यूज़ करके। बट एक बात बताओ, आज तू इतनी अच्छी कैसे बन रही है मेरे साथ? मैं हमेशा से अच्छी थी। वो तो तूने मेरी हेल्प की तो मुझे लगा तेरी भी थोड़ी हेल्प कर दूँ, तू भी दो चार पैसे कमा लेगा। आ गई ना अपनी बात पे, कर दी ना हिसाब और पैसे की बात है। यार तुम सीए होते ही सर्टिफाइड एज़ हो, मुझे तेरी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। ये पकड़ अपने औजार, बाकी पेज ठीक कर लिया थी। अंदर आ सकता हूँ क्या? हाँ। ये वो मिश्रा अंकल ने फाइल दिया, आईटीआर फाइल करने को कह रहे थे। यहाँ रख दे। फाइल्स तो ऐसे खोल रख के ऐसे इंडिया के ऑडिटर जनरल बन गए हो। अंकल की फाइल तो ले आया तू, तू अपना आईटीआर का फाइल करा रहा है? ओ आई एम सॉरी, तेरे पास तो जॉब ही नहीं है ना, वो क्या है ना काम इतना सारा है तो मैं सब भूल जाती हूँ। BHEL नाम सुना है कभी? अभी बस इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ, मंडे को लिस्टिंग भी आ जाएगी, फिर जॉब भी लग जाएगी, तब मैं तेरे को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर रखूँगा, ठीक है? और तेरे को क्या बोलना, फ्री रही हो, तू तो फ्री है। सिर्फ इंटरव्यू देने से जॉब नहीं लगती है। हाँ यार, वो इंजीनियर हूँ ना, सीए वाली चीज़ हमें पता नहीं कि 500 में आईटीआर कैसे फाइल होती है, तो बहुत हो रहा है। अब सुन, तेरा आराम से बात कर रही हूँ ना, घर में आया तो हर बात पे प्रोफेशन पे जोक क्यों माना है? पता भी है तुझे सीए क्या होता है? तुझे पता है इंजीनियरिंग क्या होती है? नहीं ना, तो इज्जत देगी, इज्जत मिलेगी, वरना उल्टा जवाब ही मिलेगा। अरे इंजीनियर साहब, कितने का पैकेज मिला? यार मैंने तो सुना है तेरा वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आया। यार ये गलत बात है, तूने मुझे बोला था फाइनेंशियल एडवाइजर बनाएगा। चल फ्री में तेरा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तू भी तो मजे लेता है ना मेरे। अच्छा चलना, सॉरी ना यार, आई डोंट मीन इट। सही तो बोला तूने, गलत क्या बोला? तेरे को पता है जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था ना, तो मेरे को लगा था कॉलेज का ना रैंचो बनूंगा। रैंचो नहीं तो एटलीस्ट साइलेंसर तो बन ही जाता, बट रियलिटी में ना जॉय लोबो वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है। I'm just an educated, unemployed engineer. तेरे को पता है एजुकेशन की ना फैक्ट्री लगी हुई है, हर साल मार्केट में कोई ना कोई नए कॉलेज का लेबल लगा के प्रोडक्ट आता है, लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं है। एवरेज इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है? 8,000-10,000 रुपए पर मंथ। साले एक सिक्योरिटी गार्ड की उतनी नौकरी लगती है। ओके, इसका मतलब ये कि तूने हार मान ली ना? आई मीन एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो तुझे लग रहा है कि लेट्स गिव अप? तू ही बोलता था कि इंजीनियर्स हैं, वी कैन फिक्स एनीथिंग, बट देन व्हाई नॉट योर जॉब? ये बातें ना बोलने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। इतना इजी नहीं होता इंजीनियर बनना जितना लोगों को लगता है। और क्या इजी होता है सीए बनना? तू ही बोलता है ना कि तुम सीए तो अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स देते रहते हो। इजी नहीं होता यार, 4-4 साल लोगों को ये बोलते रहे कि बस अब लास्ट एग्जाम बचे हैं, और हम भी बेशर्म होकर बोलते रहते हैं यार, क्योंकि हमें पता है जिस दिन सीए की डिग्री हाथ में आ जाएगी ना,
साला कोई पूछने वाला नहीं है कि कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुई है. Because for people what matters is just the success, यार. और जो टाइम तेरे पास आया है ये हर किसी के पास आता है. It's just that few people give up and few doesn't. तो तेरे हाथ में है कि तुझे भागना है या रुकना है. भागेगा तो ही फिनिश लाइन तक पहुंच पाएगा, तभी सक्सेस मिलेगी. मुझे लगा था इस मुंह से सिर्फ कटाक्ष वाली बातें निकलती हैं, बट समझदारी वाली बातें आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ. मैं हमेशा से ही समझदार थी, बस तुझ में इतने सेंसेस नहीं थे कि मुझे पहचान. नहीं नहीं, सर पे नहीं चढ़नी होती हर बात, समझाई. बट थैंक यू. भाग जोई वाली फीलिंग आ रही है. हेलो. हाँ जी भैया, आ गए क्या आप? हाँ जी, आप सेकंड फ्लोर पे आ जाइए. ठीक है भैया, आ रहा हूँ. एक सेकंड, तू एक सेकंड रुकना, मैं आ रहा हूँ. ठीक है. क्या लाया तू? खोल के देख. गिफ्ट? हाँ. तो किसी और का गिफ्ट मेरे ऊपर तो नहीं डाल रहा है? पागल है क्या? तेरे लिए लेकर आया हूँ गिफ्ट, खोल के तो देख. सुमिस्तान्य, ओ सॉरी, सी ए मिस्तान्य मल्होत्रा. आई होप दैट यू बी द बुल ऑफ द मार्केट. पर तुझ बेरोजगार इंजीनियर के पास इतना महंगा गिफ्ट आ कहाँ से गया? यार वो क्या हुआ ना कि एक किसी भले इंसान ने ना मुझे ट्रेडिंग सिखा दी. But thank you so much for suggesting me, Faiz. लेकिन तू मेरी अब पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर इनडायरेक्टली बनी गई है ना? एक बात पूछो तुझसे. हाँ. तू छत पे क्या कर रहा है? बारिश पसंद है मुझे. छाती के साथ? यार वो हम इंजीनियर है ना, तो प्रिकॉशन हम साथ लेके घूमते हैं. I don't want to extend this conversation. No, I didn't mean that. You are taking it wrong. मेरी बात सुन. Hey guys, so if you like the video, please hit the like button and comment section में हमें बताओ कि आप CA की side पे हो या फिर engineers की side पे हो. So guys, Fiers एक online trading and investment platform है. You can easily open your DMAT account and to start with, you can sign in with 30-day challenge and get your brokerage refunded rupees up to 5,000. And for daily dose of entertainment, subscribe to RBCJ right now. फाड़ के दबाओ button, ठीक है? चलो बेटे चलते हैं, bye bye.